आपने बाढ़ की बात की, बेशक बाढ़ एक समस्या है। इस बार जब बाढ़ आई तो मेरे सोशल मीडिया पे कुछ फोटो वायरल होते हुए देखे कि आप पानी के अंदर घुसकर यहाँ यहाँ तक घुसते हुए लोगों खाना बांट रहे थे। फिर मैंने कार्यकर्ताओं से बाथरूम, उसके शौचालय, उसके जनरेटर, हर शहर पानी से डूबा हुआ था, हर घर डूबा हुआ था, कोई बाथरूम नहीं था। सिर्फ परसा में, अमनौर में, मकेर में, इस इलाके गोरिया कोटी में, बरौली में। कोरोना के समय पे सर आपने काफी खाना बांटा, तो इस सब के लिए एक बड़ा अर्थतंत्र चाहिए होता है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए होता है। तो मैंने कार्यकर्ताओं से बात की, कुछ लोगों से बात की, तो पता चला कि आपने अपनी कुछ संपत्ति भी बेची है उसे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप चले जाइए, पता कर लीजिए सच्चाई को। हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो आदमी हर दिन पॉजिटिव से मिलता हो, 70 लाख लोगों से मिलता हो, ये आपको समझे नहीं है तो हम क्या करें? आप तो अपनी बीवी या लवर से नहीं मिलते होंगे। मैं अनमैरिड हूँ। तो लवर होगा, उससे नहीं मिलते होंगे, दोस्त से नहीं, बाप बेटा से नहीं मिल रहा है, आप सब सबसे नहीं मिल रहा है, और हम सबसे मिल रहे हैं। हम सब पॉजिटिव वाले के यहाँ जाके मिल रहे हैं। तो जिस आदमी को और हमको कोई पॉजिटिव हो भी नहीं किया, हम तो सोच रहे हैं कि इधरों से पॉजिटिव हुआ क्यों नहीं। अमित शाह पॉजिटिव हो गए, सब मंत्री पॉजिटिव हो गया, घर में सुतले पॉजिटिव हो गया, एसीए रूम में सब पॉजिटिव हो गया, 800 सांसद तो निकले नहीं, सत्ता पक्ष घर में, विपक्ष घर में सब मजे लिया, ट्वीट ट्वीट खेला। तो 6 महीने में 6 बार भी एक भी एमएलए एमपी और विपक्ष और नीतीश कुमार नहीं निकले, आज किस मुंह से जा रहे हैं वोट मांगने? तो ये जो आप बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा सच्चाई क्या होगा? जो आदमी बिना एमएलए एमपी के 76 दिन सड़क पर पैसा बांट रहा हो, तो सोशल मीडिया में बैंक अकाउंट से 16 करोड़ रुपया बांट के, किड्स देके बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, वो तो बैंक अकाउंट में है, तो मैंने बैंक अकाउंट तो झूठ हो गया जाएगा। तो बैंक अकाउंट का टोटल डिपिसिट है, कहाँ कहाँ से पैसे आया वो भी है, तो देख लीजिए, जाके जांच कर लीजिए। पूर्णिया में अर्जुन भवन जो मेरा कार्यालय है, उसके पीछे 40 सालों से ऊपर का जमीन था, 90 कट्ठा, उसको रख दी। का मन में था कि लॉज हॉस्टल बना देंगे लड़कियों के लिए, पटना के बाढ़ के समय बेच देना। अभी कोरोना में एयरपोर्ट के बगल में 5 बीघा बेच देना पड़ा। तो जाके पता कर लीजिए पूर्णिया में, ये पप्पू यादव जी की जमीन क्यों बिक गई।